वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार को सीरो सर्वे कोविड 19 मरीजों के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एवं टेस्टिंग जिला अस्पताल व सीएचसी पीएचसी एवं सब सेंटरों के रंगाई पुताई किए जाने तथा उन्हें क्रियाशील बनाए जाने की स्थिति कोविड 19 टीकाकरण को बढ़ाने तथा बच्चों के कोविड उपचार हेतु की गई तैयारियों की समीक्षा की। गोरखपुर के एनआईसी सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर निदेशक स्वास्थ्य के अलावा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुधाकर पांडे, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज पांडे तथा जनपद में तैनात नोडल अधिकारी एवं सर्विस लांस अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने सीरो सर्वे के तहत एंटीजन बॉडी की जांच एवं कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, तो आपको हमने बताया था कि जो आरआरटी भेज रहे हैं जिस गांव में, उसी गांव में हम वैक्सीनेशन कर ले रहे हैं। इसलिए सर हमने कहा कि बहुत देर से लोग वेट कर रहे हैं, तो शुरू कर लेक्शन दिया है कि हर एक जिले का मिनिमम 2045 प्लस का टारगेट रखना है। जनवरी तक होते होते हम 28 करोड़ पहुंचेंगे और 2.5 करोड़ इस महीने का हो जाएगा जून का, और एक दिन मिलाकर 31 करोड़ होगा। तो उस हिसाब से हमको अपना स्केल अप करना है ऑपरेशन को। तो दो इश्यूज है इसमें, कह रहे थे कि साहब कौन सा स्लॉट आप खोलते हो, कब खोलते हो, मैं रोज कोशिश कर रहा हूँ, मुझे एक भी स्लॉट ही नहीं मिल रहा है, फिर करिए अगले संडे में फिर ट्राई करिएगा। तो एक का हिस्सा है वैक्सीन हेजिटेंसी का, जो कई जगह दिखाई पड़ रहा है जहाँ की मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे पास साधन नहीं है, तो हम समझ रहे हैं कि लोग इच्छुक नहीं है। लेकिन जब आप वही गांव चले गए, गांव के पंचायत घर में आपने लगा दिया, गांव के विद्यालय में आपने लगा दिया, तो आपका डॉक्टर और लगवा लगवा दिया आपसे, तो आपको जाना पड़ेगा। और इसमें दो चीजों का ध्यान रखिए, एक तो ये कि एक जो आपको सर्टिफिकेट दे गया है, एक आ गया है जिसमें नियर टू होम वैक्सीनेशन सेंटर, जिसमें कि आपके वृद्ध और उनके लिए आया था जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए आया था, लेकिन कोई ऐसा कुछ कैप्चर करने का तो है नहीं, सबका आप कर सकते हो। जब आप लगाएंगे नियर टू होम सेंटर, चाहे शहरी क्षेत्र में लगाओ आप, अगर शहरी क्षेत्र में मान लीजिए कोई आरडब्ल्यू है, आपने वहाँ लगाया वृद्ध लोगों के लिए और फिजिकली चैलेंज जो लोग और भी हैं, सर एक चीज़ होने दीजिए, सारे 200 लोग करेंगे, जो ओल्ड लोग हैं वो प्रायोरिटी पर आ जाए, फिजिकली चले जाए, बाकी लोग चाहे वो करवाओ। आपका ये बहुत नीचे चल रहे हैं, ये लोग अपने को ठीक करना चाहते हैं, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन जितना आपके पास पहुंच रहा है कंज्यूम करिए, रोज शाम को समीक्षा करके आपने मंडल स्तर से वैक्सीन को रीलोकेट करा के अपने जिले का देखिए, जिले में कम है तो मंडल से आप लीजिए, और मंडल का भी कम आपको आता है आप मुझे हम आपको जान रखें। ये हमारे
मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय और हमारे डीजी महोदय ने अभी वीसी ली थी, जिसमें कि सीरो सर्वेलेंस जो हमारी गतिविधि चलनी है, जो गांव-गांव में कुछ गांव को सेलेक्ट किया गया है जिसमें कि ब्लड लेना है, और उस वो ब्लड जो है चला जाएगा हम KGMC, वहाँ पर ये एंटीबॉडी टेस्ट होगा कि इससे पता चलेगा कि पब्लिक में कितनी एंटीबॉडी, लोगों के अंदर कितनी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी हैं। और ख़ास बात इसमें यह है कि कुछ सैंपल ऐसे लिए जाएंगे जो कोरोना पॉजिटिव रहे हों और वो ठीक हो गए हैं, उनकी भी एंटीबॉडी का टाइटर दिया जाएगा। दूसरी चर्चा हम स्वास्थ्य विभाग ने किया कि कैसे हम वैक्सीनेशन को और गति दे सकें। 45 साल के ऊपर के रोगों में रुझान थोड़ा कम दिख रहा है, या लोग दूर दराज से लोग आ नहीं रहे हैं, तो हम लोगों को दूर दराज के सेंटरों पर भी जाकर के वैक्सीनेशन करना है, जिससे हमारी वैक्सीनेशन की गतिविधि बढ़ जाए, उसके ऊपर चर्चा किए हैं। तीसरी, हमारा कोरोना जो अभी डाउन हो रहा है और ख़त्म होने के कगार पर है, लेकिन हमें अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, जिससे कि फिर से कोई ऐसी चीज़ ना आने पाए। जैसी थर्ड लहर की बात लोग कर रहे हैं, तो थर्ड लहर जैसी कोई चीज़ आने ही ना पाए, हम लोग सतर्क रहें, हम लोग हमारी पूरी तैयारी रहे। और हाँ, पब्लिक को भी ध्यान रखना है कि जैसे लॉकडाउन भी अगर खुलता है तो उसमें भीड़ भाड़ वाले बिल्कुल ही जाना न पसंद करें, और मास्क तो कंपलसरी है, मास्क तो अभी लोगों को लगाना है, जिससे कि कोरोना को, उससे हम अपने जिले को, अपने देश को बचा सकें।